मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राग्य तोरणा चया टलाकल केयूरा पृथ्व्याम ककुदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारिका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी लेकर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्व विदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अद्भुत आनंद होगा।